ज्वाइन किया है सर जी सर, और बहुत अच्छा है, और अभी मास्टर ट्रेडर भी करना है। थैंक यू सर। और सर सभी सर आपके जितने भी वीडियो हैं शुरू से जो जी बिजनेस पे भी आते थे और वो सभी सुने हैं सर, और छः छः बार सुने हैं। तो सर उस समय नुकसान से बच गया क्योंकि मैंने थोड़े से ज़्यादा पैसे लगा दिए थे अपने, मतलब आते ही शुरू में ही ज़्यादा लगा दिए थे, लेकिन साथ साथ मैं वो सुन रहा था जितने भी वीडियो हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान से मैं बच गया और नेट में भी ठीक हूँ। ठीक है। और सारे सर मैंने अच्छे ले रखे हैं, मतलब जितने भी शेयर हैं मेरे पास सभी अच्छे हैं, मतलब क्योंकि मैंने जितने भी वीडियो बार बार उनको रिपीट करता रहा तो उसकी वजह से सारे शेयर अच्छे ही हैं। ठीक है। अभी सर क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो मैंने जितने भी लिए लॉन्ग टर्म के लिए लिए सोच के कि 5 साल के लिए है ये जो भी लिए हैं, लेकिन सर जब वो 20-25% ऊपर चले जाते हैं तो मैंने वो प्रॉफिट बुक नहीं किया, ये सोचा कि नहीं मैं 5 साल के लिए किए हैं, तो उनमें से 2-3 वो जहाँ तक तो वहाँ तक तो पेशेंस बना रहा, जहाँ तक मतलब जिस पे वो बाय प्राइस था उनका, कुछ उसमें नीचे भी आ गए तो वहाँ सर पेशेंस फिर नहीं रह पाता कि ये तो लॉस हो गया, कुछ उसमें से उल्टे भी आ गए और कुछ डबल हो गए उनमें से, लेकिन फिर मैंने थोड़ा जैसे 1 साल हो गया तो पार्सल प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, तो फिर दोबारा लेने शुरू कर दिए कि ये तो और ऊपर जा रहा है, तो वो मेरी कॉस्ट जो प्राइस है वो फिर प्राइस बढ़ जाता है उनका जो लेना है, नहीं तो अगर उसी प्राइस पे रहता तो मतलब सर इसमें मतलब तालमेल नहीं बैठ पा रहा ये कह रहे हैं। और सर जैसे मान लो फिर वो 200 डीएम में से नीचे आ जाता है, या एक लाइन आपने बताया कि लगा लो फिर वो भी सर कर लो तो फिर वो हाथ से निकल जाते हैं, फिर दोबारा एंट्री करते तो उनका काफ़ी प्राइस बढ़ जाता है, जो डबल हो गए मेरे पास भी, लेकिन जो मैं कमा सकता था जितना प्रॉफिट ले सकता था उतना नहीं ले पाया। सर एक्चुअली क्या है ना, ये सारी चीज़ें जो आपके क्वेश्चन हैं ये लगभग हर आदमी के दिमाग में उनके अपनी ट्रेडिंग में आते रहते हैं बीच बीच में, और ये सब ना एक्चुअली सीखने के प्रोसेस का हिस्सा है। ये कोई भी आदमी आपको ना तोते की तरह पढ़ा नहीं सकता कि आपको ऐसे 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 करना है, क्योंकि बात वही होगी सिचुएशन वहाँ जाके बदल जाएगी, कुछ ना कुछ कोई सिचुएशन चेंज हो जाएगी, तो आप टू दी पॉइंट कभी भी कोई आपको नहीं बता पाएगा कि इस केस में आपको ये करना है। आपको सिर्फ एक जनरल व्यू दिया जा सकता है, उसके बाद वहाँ केस टू केस आपको डिसीजन लेना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि गाड़ी अगर चलाना कोई बंदा आपको सिखाता है तो वो आपको 5-10 चीज़ें सिखा सकता है कि भाई ब्रेक कैसे मारनी है, और अपना ऐसे गियर डालना है, स्टीयरिंग ऐसे संभालना है, रेस ऐसे करनी है, कोई लाल बत्ती आए उस पर रुक जाना, कोई आदमी सामने से आए उस पर रुक जाना, और ये 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 कर लेना, और उसको आपको ट्राई करा देगा जाके 4-5 बार 10 बार, आप अब निकल गए, वो आपको 10-15-20 उसने चीज़ें बता दी और आपने कर ली। अब उसने कहा था आदमी सामने आए तो ब्रेक मारना, भैंस आएगी तो नहीं मारोगे, अब मारना पड़ेगा। उसने कहा रेड लाइट पे ग्रीन लाइट हो तो आपको चलना है, लेकिन आपके आगे गाड़ी वाला चल नहीं रहा, ठोक छोड़ दोगे उसको, वो कहोगे ये तो उसने बताया नहीं था, उसने कहा था रेस दे देना, मैं तो दीदी अब तू हटा गए से ग्रीन हो गई मेरी, तो सर ये तो ये क्या है, ये है केस अलग 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 अलग। तो जो सिखाने वाला है वो ब्रॉडर पिक्चर देता है, उसके बाद में क्या होता है कि आपको हर केस पे ना अपनी भी थोड़ी बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ती है, उसके अंदर क्या है शुरू में थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, और फिर हम धीरे धीरे अपने हिट एंड ट्रायल से सीख के हमारा एक पूरा अपना लर्निंग जो है वो कंप्लीट होती है, क्योंकि सब कुछ एक एक पॉइंट टू पॉइंट कोई भी नहीं बता सकता आपको। बाकी जहां तक आपकी बात रही कि कोई स्टॉक मैं लेता हूं उसमें 20% ऊपर चला जाता है फिर मैं उसको मेरे वापस रेट पे आ जाता है फिर वो लॉस हो जाता है ऐसे कुछ, उसमें होता क्या है कि आपने अगर कोई स्टॉक लिया 5 साल के लिए, पहली बात आपने लिया 5 साल के लिए लिया, एक तो सबसे बड़ी बात ध्यान रखो कि जिस कॉस्ट पे लिया उस पे आपको निकलना है, उससे नीचे तो आने मत दो कभी भी, कभी भी मत आने दो उससे नीचे, जो आपका रेट है अगर उस पे वो दोबारा आ गया तो बाहर निकल जाओ, मतलब रेट को काट रहा है अगर आपके तो बाहर निकल जाओ वहां से, ये तो इसको तो कानून मान लो आप कि अपने रेट से नीचे नहीं जाने देना उसको। दूसरी बात कि ये बात सोचना छोड़ दो कि जिस दिन मैंने लिया है उसकी यात्रा आज से शुरू हुई है। एक सबसे बड़ी समस्या मानसिक हमारे रूप में यह आती है कि मैंने आज इस पे कदम रखा है तो बस आज से ही तू अब मान के तेरी जिंदगी शुरू हुई है, अब तू यहां से है? वो तो नहीं है सर, माइंड में रखे हुए हाँ, क्योंकि उसके पीछे एक जिंदगी है आपसे पहले भी, वो तो सर रखे आपसे पहले भी उसकी 4-5 गर्लफ्रेंड थी, दोस्ती यारी थी, कईयों के साथ वो उठा बैठा रहा, उसकी पहले भी रिलेशनशिप रही है बहुतों के साथ, आपके आने से को पिछले वाला इतिहास खत्म नहीं हो जाता उसका,
हमको ये देखना है, हम जब आए हैं हमारी जगह क्या है, सबसे पहले हम कौन सी जगह में आ रहे हैं, हम बीच में घुसे हैं, हम स्टार्टिंग में आए हैं, हम टॉप के आसपास हैं, कहाँ हैं हम। अक्सर क्या होता है, उसका ट्रेंड खत्म होने वाला होता है तब हमारी एंट्री होती है, तो हमारे लेने के बाद 10-20% जाता भी है ऊपर और हम सोचते हैं हम 5 साल के ले लेंगे। क्योंकि एक ये भी है कि जब स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा होता है ना, तो आप जिससे मर्जी बात कर लो, जिससे मर्जी, अपनी बात मत करो, जिससे मर्जी, वो कहेगा ये तो स्टॉक इतना अच्छा है मैं 10 साल बाद नहीं बेचूंगा, और 10 दिन वो स्टॉक नीचे गिर जाए ना उसकी भाषा बदल जाएगी उसे, 10 दिन नीचे गिर जाएगा। चलती हुई चीज़ों को तो हर आदमी सोचता है मैं 5 साल के लिए लूँगा। आपका जो 5 साल का डिसीज़न है वो एक्चुअली स्टॉक की मूवमेंट से आ रहा है या कोई और वजह है इसके पीछे, पहले तो ये ढूंढो। नहीं, इन्वेस्ट ही किया है सर, मतलब किस वजह से, उसकी वजह क्या है, लेने का रीजन क्या है, स्टॉक का प्राइस अच्छा चल रहा है इसलिए या कोई और भी वजह है उसके पीछे। 5 साल की इन्वेस्टमेंट जो होती है ना वो 2 तरीके से होती है, या तो आपकी स्टॉक के चार्ट पे इतनी कन्विक्शन है और आप इतना लर्न कर चुके हो, अगर आपको पता है कि 5 साल तक कुछ नहीं होना है इसके अंदर। सर जितने भी अच्छे हैं, मतलब ब्लू चिप हैं, वही ले रखे हैं। सर एक तो ब्लू चिप ना वर्ड मेरे को अच्छा नहीं लगता, ब्लू चिप पहले ब्लू होते हैं, ब्लू के बाद वो रेड हो जाते हैं, तो ब्लू चिप सर छोड़ दो। और नोकिया भी ब्लू चिप था कभी। और एक सर जैसे मतलब जो 5 साल प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद फिर चलना शुरू करता है और उसकी कॉस्ट प्राइस बढ़ता जाता है लेना, मतलब प्राइस बढ़ती जाती है। सर यही तो कह रहा हूँ ना, ये लर्निंग प्रोसेस है, आपको ये बात धीरे धीरे खुद के एक्सपीरियंस से मालूम चलेगी। और बाकी जो हमारा ऑनलाइन जैसे आपने कहा लिया हुआ है उसमें कुछ बताया हुआ है, और आगे की चीज़ें करनी है आपको, हमारे और प्रोग्राम हैं, कहीं और से सीखो, कुछ और कोई सिखाने वाला अगर आपको अच्छा मिल जाए, कहीं बढ़िया चीज़ सिखा रहा है कोई बढ़िया। सर नेट में भी मतलब ठीक है, नेट में और प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट में हो अच्छी बात है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है ना वो उसी चीज़ से आ रहा है कि कई बार हम बीच में एंट्री करते हैं और वो स्टॉक हमारे प्राइसिंग के नीचे आ जाता है, किसी स्टॉक में हम प्रॉफिट ले नहीं पाते और किसी के अंदर ले लेते हो तो दुख हो जाता है, ऐसा ही है कुछ। पर सर आपको नहीं सुना होता तो लॉस हो जाता बहुत ज़्यादा। सर अब मेरी तारीफ तो बंद करो, अब मैं क्वेश्चन जो है वो यही है ना, क्वेश्चन यही है कि कभी तो प्रॉफिट जल्दी बुक हो जाता है और कभी हो ही नहीं पाता, यही है सर। तो दोनों ही चीजें हैं, तो ये एक्चुअली समस्या खाली आपकी नहीं है, ये लगभग सब लोगों की है, यही है कि प्रॉफिट कई बार जल्दी बुक हो जाता है और कई बार हो ही नहीं पाता, यही है सर। लेकिन आप ये सोचो कि आप फिर भी उन 1% लोगों में से हो जिनको प्रॉफिट होता है, होता है सर, हो रहा है सर। इस पे तो गर्व करो कम से कम, कि कम उस 1% में हो जिसको, इनका क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट या तो जल्दी बुक कर लेता हूं या नहीं कर पाता, तो आप उन 1% में से हो जिनको प्रॉफिट होता है। अब बस सुधारना क्या है, यही चीज तो सुधारनी है, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। और कौन है सर? मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है और कुछ शेयर भी अपने ऑल टाइम हाई पे हैं और कुछ शेयर अभी नीचे हैं, तो अभी हमें फिलहाल अगर मार्केट ऊपर जाता है तो किस तरह के शेयर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस तरह के शेयर लेने चाहिए? हाँ जी, जो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं या फिर जो अभी मूवमेंट ले सकते हैं। सर ये एक्चुअली क्या है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे अभी हैं, मार्केट का अगर रन आगे बाकी है पूरा जो कि हम बात कर रहे हैं ऐसा, तो आप ये बात मान लो कि जो स्टॉक सबसे पहले जिन्होंने अपना हाई छुआ है आके, वो स्टॉक अंत तक इस बाजार के अंदर विनर रहेंगे, अंत के आसपास तक। दूसरा जो अभी ऊपर चलना जिन्होंने शुरू नहीं किया, उसमें से बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं क्वालिटी जो कि अब चलना शुरू करेगी। मार्केट का शुरुआती जो फेज़ होता है ना, उस फेज़ को आप थोड़ा अलग ढंग से समझो। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था वैष्णो देवी की यात्रा करते हो कभी, जिन लोगों ने नहीं देखा यूट्यूब पे उनके लिए बता देता हूँ। जैसे आप पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हो, वैष्णो देवी की यात्रा करते हो ना, तो उसमें पहाड़ होता है, एक पहाड़ पे आप एक ग्रुप में गए हो, मान लो 20 जनों के ग्रुप में, 20 जने सबसे पहले नीचे खड़े होंगे और कहेंगे आप हमें यात्रा शुरू करनी है, ठीक है। इसको आप मानो कि मार्केट जो है एक ट्रेंड पकड़ रही है, 20 दोस्त मतलब 20 स्टॉक। अब जब सारे स्टार्ट करेंगे तो वो एक साथ करेंगे, उसमें से कुछ 5-10 होंगे जो तेज होंगे, वो आगे पहुंच जाएंगे, 5-10 होंगे जो बीच में कहीं धक्के खा रहे होंगे, 5-10 होंगे जो नीचे शुरू करेंगे और 2-4 होंगे कहेंगे भैया आपने बस की तो ना है, इतना ऊपर जाना,
समझे, वो कहें भाई बहुत हो चुका भाई, इतना दिन तो देख के डर लग रहा है मुझे तो। अब जो 500 सबसे तेज हैं वो आगे पहुंच जाएंगे कहीं, और वो हमेशा आगे ही रहेंगे वो, ये बात तो आप वैसे ही समझ सकते हो। जो तेज हैं वो हमेशा ही आगे रहेंगे, जो बीच में है वो हमेशा बीच में रहेंगे, और जो नीचे हैं वो हमेशा ही नीचे रहेंगे, ये बात मान लो ठीक है। अब बीच बीच में होता क्या है कि वो जो सबसे आगे पहुंच गए ना, वो एक जगह पे जाकर रुकेंगे। अब 20 का ग्रुप है, अब वो कहेंगे यार हम बहुत आगे आ गए, ये सारे लोग तो बहुत पीछे रह गए, एक काम कर यहाँ रेस्ट कर, इनको पहले आने दे ऊपर, एक बार यहाँ खड़े होते हैं इकट्ठा चाय चूई पियेंगे फिर चलेंगे। तो एक आप ऐसी जगह मार्केट में ज़रूर पाओगे जहाँ पे वो खड़ा हो जाएगा स्टॉक जाके, और बाकी जो नीचे हैं वो ऊपर आएंगे। उसको कहते हैं जो छोटे वाले स्टॉक हैं मिड कैप ना, वो आखिरी फेज में चलते हैं, क्योंकि ऊपर वाले खड़े हो जाते हैं सारे, फिर वो उनका कैचअप होता है, वो सारे पास आते हैं। जैसे ही वो दोस्त आपस में आए, पास में मिले, चाय चूई पी, समोसे समोसे खाए, फिर एक यात्रा शुरू होती है, फिर वो तेज वाले फिर आगे निकल जाते हैं, वो फिर बीच में रह जाते हैं, और छोटे वाले तो अभी पीछे बैठे हैं। ऐसे चलती है यात्रा, फिर एक जगह आता है जहां पर उनकी यात्रा खत्म होती है, वहां पर सारे मिलेंगे एक साथ आपको। वहां से उल्टी यात्रा यानी कि उतराई, वो शुरू ही नहीं होगी जब तक कि सारे इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, मतलब तेज वाले, बीच वाले और सबसे धीरे वाले सारे ऊपर आएंगे एक बार, और सारे ऊपर आएंगे और सारे ऊपर पहुंच जाएंगे। उसको कहते हैं सर यूफोरिया, बबल, जब सारे ऊपर होंगे। उसके बाद क्या है, उतराई शुरू होगी। उतराई जो शुरू होगी सबसे हल्के वाले को सबसे जल्दी होगी, कि भाई मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो, मेरे बस की नहीं है इतनी ऊंची रहना, मुझे जाने दो, आप मुझे एक काम करो घोड़ा करा दो, मैं नहीं उतर सकता। तो सबसे हल्के वाला सबसे तेजी से उतरेगा, उसके बाद बीच वाला, भारी वाले कहेंगे इनको जान दे, हम तो यहाँ से आराम से ऊपर जाके घूम फिर के आएंगे मस्ती से, क्योंकि उनको पता है उनमें स्ट्रेंथ भी है, वो पहुंच जाएंगे। बस ये सिनेरियो है पूरा। अब इसको स्टॉक मार्केट में लगा दो, अच्छे वाले सबसे तेज चलेंगे, बीच वाले और हल्के वाले, एक जगह जाके तीनों रुकेंगे, इकट्ठे होंगे फिर चलेंगे, और एक जगह जाके यात्रा खत्म होगी और फिर उतरेंगे सारे, इसी क्रम में चलेंगे और इसी क्रम में उतरेंगे। तो जो आज आप कह रहे हो ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं, वो हमेशा तेजी रहेंगे, लेकिन उसमें से बीच वाले भी कुछ हैं जो आज सही रेटों पे मिल रहे हैं, और उनमें भी वो काबिलियत है कि वो एक बार अच्छे वालों के साथ में जुड़ेंगे जाके। तो वहां पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा होता है, लेकिन वहां पर रिस्क भी होता है थोड़ा सा, तो इसलिए वहां पर आपको ध्यान देना होता है, देखना होता है, लेकिन बस यही खेल है सारा। इसमें क्या करना है कैसे करना है वो आप समझ जाओ, ठीक है सर।